अब बात करते हैं राजधानी शिमला में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय उत्कृष्ट किसान सम्मेलन की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से 24% ग्लोबल वार्मिंग कम होती है और कैंसर जैसी बीमारियों से भी निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, इससे फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। साथ ही इन फसलों से पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से शरीर पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, तो उनका मिशन है कि प्राकृतिक खेती का मिशन पूरे देश में चले। इससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, धरती माँ का स्वास्थ्य भी बचेगा, किसान की आय भी बढ़ेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। तो ये मिशन पूरे देश भर में चलाने का निर्णय लिया गया है और उसी उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यशाला को संपादित किया गया। हिमाचल में प्राकृतिक खेती की शुरुआत आचार्य देवव्रत ने की थी। राज्य में अब 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है और 1,71,000 किसान तथा बागवान इससे जुड़ चुके हैं। आज आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के 450 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में किसानों के सम्मान के साथ साथ हिमाचल और गुजरात के सांझे प्रयासों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की रणनीति भी बनाई गई।